माधव दास बहुत धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है और उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। उनके पास खाली समय भी बहुत रहता था। अक्सर शाम के समय वह बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता निहारते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें उनका जीवन खाली सा लगता था। एक दिन शाम के समय उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठे देखा। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और पंख चमकदार थे। चिड़िया कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बड़ी लुभावनी लगी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उन्होंने उस चिड़िया से कहा कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम्हारे बिना यह सूना था, तुम जब चाहो बेधड़क यहां चली आया करो। माधवदास की बात सुनकर चिड़िया घबरा गई। फिर वह बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए मैं यहां बैठ गई थी, मैं अभी चली जाती हूं। माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वह चाहते थे कि वह हमेशा के लिए उनके पास रह जाए और उनके जीवन के खालीपन को अपनी चहचहाटों से भर दे। चिड़िया रुकने को तैयार नहीं होती है और कहती है कि उसे अपने घर माँ के पास जाना है। वह तो बस अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। माधव दास उसे रोकने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं। वह कहते हैं कि उसके लिए सोने का घर बनवा देंगे, उसमें मोतियों की झालर लगवा देंगे और उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। माधवदास कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, जो चिड़िया मांगेगी उसे दे सकते हैं, बस वह उन्हें खुश कर दे। फिर माधवदास चिड़िया को सोने का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि सोने की कटोरी में ही उसे खाना पीना देंगे। माधवदास के प्रलोभनों से डरी चिड़िया किसी भी तरह से वहां रुकने को तैयार नहीं होती है। उसे लगता है कि वहां आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चिड़िया बस अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। वह कहती है कि मेरी माँ राह देख रही होगी, और सोना क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं केवल सूरज, धूप, घास, पानी और फूल को जानती हूं। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह उनके बगीचे में नहीं रहेगी, अपने घर चली जाएगी। माधवदास उसे अपनी बातों में उलझाते हैं। इसी बीच एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज से एक नौकर दौड़ा चला आता है। वह इशारे से नौकर को चिड़िया पकड़ने को कहते हैं। माधवदास चिड़िया को अपनी बातों में फंसाए रखने के लिए उससे उसके भाई बहन के बारे में पूछते हैं। चिड़िया बताती है कि उसकी दो बहन और एक भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। लेकिन माधवदास कहता है, अभी तो उजाला है, डरो मत, थोड़ा रुक कर जाना। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चिल्लाई और एकदम से उड़ी। नौकर उसे पकड़ कर भी नहीं पकड़ सका। चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची और अपनी माँ की गोद में दुबक कर रोने लगी। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं बोल पाई। बहुत देर तक चिड़िया की माँ उसे ढाढ़स बंधाती रही और वह माँ की छाती से ऐसे चिपक कर सो गई जैसे अब कभी अलग नहीं होगी। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती हैं। पहली की
हमें अनजान और अपरिचित लोगों से सावधान रहना चाहिए और माता पिता को बिना बताए उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी शिक्षा यह है कि हर चीज धन दौलत से नहीं प्राप्त की जा सकती है। हम किसी की आजादी पैसों से नहीं खरीद सकते हैं।